हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। यहाँ पे दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने APS को लेकर यहाँ पे एक नोटिफिकेशन को जारी किया है, जो कि आपके आधार से पैसा निकालने और कैश डिपॉजिट करने, साथ में मिनी स्टेटमेंट को निकालने पर ये नोटिफिकेशन को जारी किया है। इसमें दोस्तों क्या बताया गया है, ये मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी हम और ऐसी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने आधार से पैसा निकालने, साथ में कैश डिपॉजिट और मिनी स्टेटमेंट पर ये नोटिफिकेशन को जारी किया है। तो दोस्तों, क्या होता है कि अगर आप कोई भी APS चलाते हैं, पेनिया बाई, स्पाइस मनी, फिनो, रेली पे, ईजी पे, काफ़ी सारे हैं, जैसे डीजी पे भी है आपका, तो इन सब APS कंपनी का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि किस बैंक का क्या अपडेट आ रहा है, क्या नोटिफिकेशन जारी हो रहा है APS को लेकर। तो यहाँ पे जो अपडेट है वो आपका APS को लेकर ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो नोटिस है ये 12 मई को ही लागू हो चुका है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों को पता नहीं है। ये नोटिस 12 मई को निकला था और जो चार्ज यहाँ पे लगने वाले हैं ये आपको 15 जून से लागू हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपको बताता है कि जो भी APS ट्रांजेक्शन है उस पर इनका जो चार्ज है वो लागू हो रहा है 15 जून 2022 से। तो नीचे आपको ये चार्ज के बारे में बताया गया है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे इन्होंने सर्विस लिखा है, उसके बाद न्यू चार्जेस लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है कि मंथली फर्स्ट 3 कुमुलेटिव APS इश्यूअर ट्रांजेक्शन कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट एंड मिनी स्टेटमेंट, इसका ये यहाँ पे जो चार्ज है वो बिल्कुल फ्री है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि APS इश्यूअर कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट एवं फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट, यानी जो ट्रांजेक्शन लिमिट है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आपको जो कि है 20 रुपये साथ में GST पर ट्रांजेक्शन पे आपको देना होगा। यानी ये जो आपको पहले 3 ट्रांजेक्शन मिलेंगे वो तो फ्री होंगे, जब आपका चौथा ट्रांजेक्शन होगा उस पर आपको 20 रुपये साथ में GST लगेगा, यानी 20 रुपये प्लस 3 रुपये 6 पैसा, यानी 23 रुपये 6 पैसा आपको पूरा यहाँ पे लगेगा कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट पे। और उसके बाद यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट ट्रांजेक्शन के बारे में बता रहा है कि जब आपका फ्री लिमिट ख़त्म हो जाता है उसके बाद आपको 5 रुपये साथ में GST, यानी आपको 5 रुपये 90 पैसा यहाँ पे पर ट्रांजेक्शन पे मिनी स्टेटमेंट पे लगने वाला है। तो दोस्तों, इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी आपके कस्टमर आते हैं उनको ये अपडेट आपको उनको बताना है, ये नोटिफिकेशन की जानकारी उनको देना है, कि ताकि वो इससे बच सके और जाके वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जब उनका चौथा ट्रांजेक्शन हो तो वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से ही अपना ट्रांजेक्शन करें।